रश्मि बात करें, ये एक मैगजीन है फिल्म्स टुडे, उसी के कवर पेज का शूट हो रहा है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लुक्स हैं जिसके अंदर ग्लैमर है और इंडियन लुक है और डिफरेंट डिफरेंट लुक्स आपको मिलेंगे। इसके लिए कोई किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा है कि ये ग्लैमर के लिए ही है या फिर बहुत हॉट है या फिर हमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। ये कवर पे शूट है और आई थिंक कवर पे शूट आज के चलन के हिसाब से ही हम थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा इनोसेंस और हम एक ही पिक्स में डिफरेंट डिफरेंट लुक्स दिखाना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं, तो बस उसी का ही फोटोशूट है। मैं राजस्थान का एक होम, राजस्थान का शेखावाटी आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे, बिसाऊ नाम से मेरा होम टाउन है, वहीं मेरा घर है और काफ़ी सालों से जो मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो जयपुर रहते हैं और 3 साल से मैं जयपुर में हूँ। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक इंसान कोई भी एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट लुक, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो इंडियन लुक हो, इंडो वेस्टर्न हो, चाहे एकदम गांव का कैरेक्टर हो, तो फोटोशूट का रीज़न यही है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको निकल के दिखती है वो सारी चीज़ें, कि एक एक्टर अलग अलग लुक में किस तरीके से दिखता है, उसका रीज़न फ़ोटोशूट का ये है सबसे पहले। और जो हमारा फ़ोटोशूट है वो थोड़ा ग्लैमर को लेकर है और बस फोटोशूट के रीजंस यही हैं। डिमांड किसी की बेसिकली डिमांड नहीं हुई है, बट हाँ हम लोगों ने बैठ के कॉन्सेप्ट बनाया था कि हम लोग किस तरीके का फ़ोटोशूट करना चाहिए और अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं उसमें इतना इस तरीके का लुक अभी तक आया नहीं है। और एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट लुक्स देना चाहती हूँ, अब देखते हैं पब्लिक कौन सा पसंद करती है। और दूसरी बात ये है कि ये हम दोनों की मिल के बात हुई थी कि हम लोग किस तरीके से फ़ोटोशूट करेंगे, सो दोनों का डिसीजन है ये। किसी मूवी में नजर आएंगे अभी, इतना बोल्ड अगर आप बात करें, किसी मूवी में आने वाले फिल्मों में? अभी तो नहीं, अभी रिसेंटली मैंने जो 2 मूवी कम्प्लीट की हैं उनके लुक्स तो फाइनल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शूट भी कम्प्लीट हो चुका है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको अलग अलग लुक्स मिलेंगे। इट्स नॉट बेसिकली आपको हॉट लुक के लिए, एक अच्छी एक्टिंग और आप जैसा लुक आप पसंद करेंगे वैसा लुक डेफिनेटली मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आऊँगी। अभी दीपिका का काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट लुक करती हैं और उनके जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं रियल बेस्ड को लेके, हिस्टोरीज़ को लेके, वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। आलिया और अनुष्का का काम भी मुझे बेहद पसंद आता है, ये लोग मेरी अभी मुझे पसंद है काफ़ी ये लोग। अभी तक इतना स्ट्रगल नहीं रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि जब मैं जयपुर में थिएटर कर रही थी तो थिएटर करते टाइम ही मुझे मूवी का ऑडिशन का पता चला था, तो मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके ऑडिशन दीजिए और वहीं से ही मैंने अपनी जो मजाज मूवी, जो मेरी फर्स्ट मूवी थी, उसी का ही ऑडिशन दिया था वहाँ पे, और वहाँ से फिर मैं सेलेक्ट हुई। सो इतना मुश्किल नहीं था और फिर उसका शूट मैंने कम्प्लीट किया, हम लोगों ने यूपी में शूट किया था और वहाँ से फिर मैं मुंबई के लिए मूव हो गई थी। हर कोई सपना लेके आता है, हर किसी की तमन्ना होती है मुझे ये बनना है। रश्मि जब जयपुर से निकली थी क्या तमन्ना दिल में है कि मुझे क्या बनना है आगे, किसके साथ काम करना? जब मैं निकली थी जयपुर से तो सबसे पहले यही एम्बिशन था कि एक अच्छा एक्टर बनना है, लोगों को मेरा काम पसंद आए और मैं डिफरेंट डिफरेंट लुक्स करूँ, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ, और वही आज मैं कर रही हूँ। और जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं मेरे, अलग अलग लुक मिलेंगे आपको। और काम करने की बात है तो इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक अच्छे एक्टर हैं और काम तो मैं सबके साथ ही करना चाहती हूँ, सबसे पहले सलमान खान, अक्षय कुमार एंड अमिताभ सर, मतलब जिनका भी नाम लुक कम ही है, मैं एक एक बार सबके साथ काम करना चाहती हूँ। थैंक यू।